कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक बड़ा नाम यानी कि बालाजी ग्रुप, बालाजी ग्रुप की ओर से गुजरात राज्य के कई शहरों में सफलतापूर्वक कंस्ट्रक्शन के कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। तब बड़ौदा शहर में भी एक उम्दा प्रोजेक्ट उनका आकार ले रहा है और वो है अगोरा सिटी सेंटर। जी हाँ, मंगल पांडे रोड पर ये पूरा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। बीते कई समय से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तब आज जो बालाजी ग्रुप के CMD है आशीष शाह, उनकी ओर से एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी जिसमें ये अगोरा सिटी सेंटर अपने आप में संस्कार नगरी बड़ौदा में एक मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन के रूप में सामने आ रहा है और एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में सामने आ रहा है। तब ये बालाजी ग्रुप की ओर से जो अगोरा सिटी सेंटर बन रहा है उसकी क्या विशेषता है, ये जानकारी खुद बालाजी ग्रुप के CMD आशीष शाह ने दी थी। तब आइए जानते हैं कि संस्कार नगरी बड़ौदा में ये एक उम्दा प्रोजेक्ट जो निर्माण ले रहा है और अपने अंतिम चरण पे है, तब जो अगोरा सिटी सेंटर मॉल है उसकी विशेषता क्या है और अपने आप में ये एक अलग कंस्ट्रक्शन की मिसाल क्यों पेश कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी बालाजी ग्रुप के CMD आशीष शाह ने दी थी। आज आखिर एक साइड फूड ने आई आखिर क्लब बनाई कि जेमा स्टीम बाथ, सोना बाथ, जैकूजी, तमारे जिम की सुनील शेट्टी बनावे छे 20,000 फूट नो जिम छे। એટલે साइड फूड ने आई ते तमारे 1.5 किलोमीटर नो जॉगिंग ट्रैक बनायो, केला किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नो जॉगिंग ट्रैक, तो पॉल्यूशन कछुज ना आवे। तमे साइड फूड ने आई ते तमे दिस इज द सिटी विद इन द सिटी प्रोजेक्ट, पहली टाइम फर्स्ट टाइम इन द वडोदरा के 2,000 लोगों ने, अमे लोगो ए अमारा ग्रुप द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में मकान आप्या। एनी सामे सरकार ने 40 करोड़ बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत सरस सपनू जोयुं हतुं, ए सपना ने अमे साकार कर्युं। एना द्वारा आपवामां आवेल लैंड उपर अमारा द्वारा अमेजिंग प्रोजेक्ट डिजाइन करवामां आव्यो, जेमां आंड्रे क्योस्क अने एंड्रोस कर्यो। फर्स्ट टाइम इन द 6 लाख स्क्वेर फीट रिटेल, जे आखा गुजरात में आटलू मोटू रिटेल कसे छे नहीं। फर्स्ट टाइम 60 फीट की हाइटे 2,10,000 स्क्वेर फीट की क्लब। अब आ सीटी में नेटवर्किंग की खूब जरूर है। आ सीटी में एक सारी क्लब के जे 60 फीट पर हो, 75 फीट की हाइट पर स्विमिंग पूल और फर्स्ट टाइम 5-स्टार होटल विथ 2,10,000 स्क्वेर फीट क्लब नो कॉन्सेप्ट आखा गुजरात में नहीं, आ फर्स्ट टाइम। तो वडोदरा ने आ एक नव नजराणू है कि रिवॉल्विंग रेस्टोरंट, फर्स्ट टाइम 2,10,000 स्क्वेर फीट क्लब, ऑफिस विथ गार्डन। ऑफिस तो बहु बनावे छे लोको, परंतु विथ गार्डन, विथ 2,10,000 स्क्वेर फीट क्लब એ કશે જ છે નહીં। એટલે આ કન્સેપ્ટ એ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેવો જે પ્રોજેક્ટ કેવડિયામાં આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જેમ આપ્યો, એ જ રીતે આ શહેરમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં નવું કોઈ આટલું મોટું કન્સ્ટ્રક્શન આવેલ નથી। અને આઈ એમ ધ ફર્સ્ટ વન કે 3 પ્રોજેક્ટ્સ એક યુનિક ડિઝાઇન સાથેના અમે આ સિટીને આપ્યા, એક અટલાદરામાં, એક અહીંયા આગળ રાત્રિ બજાર LNT સર્કલ પાસે, એક સંગમ 4 રસ્તાની જોડે અમિતનગર એ બેન્કર હોસ્પિટલ છે ત્યાં। ધીસ ઇઝ ધ 3 પ્રોજેક્ટ્સ પોતાની જાતે અને આર્કિટેક્ચર વાઇઝ અને એમ્યુનિટીઝ વાઇઝ યુનિક અને ડિઝાઇનિંગ છે। એટલે વડોદરાને જરૂર હતી કે 22 લાખ લોકો પોપ્યુલેશનમાં ઇનોર્બિટ પછીનું સ્ટેજ શું, તો હાઈ સ્ટ્રીટ। અમે લોકોએ કોમ્પ્લેક્સ નથી બનાવ્યું, અમે લોકોએ મોલ નથી બનાવ્યો, અમારો કન્સેપ્ટ બહુ જ ક્લિયર હતો, 33% એન્ટરટેનમેન્ટ, 33% ફૂડ એન્ડ 33% રિટેલ, પ્લસ 5-સ્ટાર હોટલ। એટલે આજે જે બી ટુરિઝમ કેવડિયાઝ આવે છે, એટલે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા જે જવાનો છે, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ એરપોર્ટથી નજીક એ અમારી હોટલમાં આવશે, 2,10,000 ફૂટની ક્લબને એન્જોય કરશે। જે કન્સેપ્ટ એ માણસ દુબઈ, લંડન કે બોમ્બે આપે છે, એ કન્સેપ્ટ આજે વડોદરામાં મળશે। એટલે સૌથી પહેલી જેમ ABN એમરો બેંક બરોડામાં ખુલી હતી, એમ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ એમ પ્રાઉડલી સે કે આઈ એમ ફર્સ્ટ વન ઇન ધ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા। અમદાવાદ, સુરત કે રાજકોટમાં બી 2,10,000 ફૂટની પોડિયમ ક્લબ નથી, તો આઈ એમ ધ ફર્સ્ટ વન અમારા ગ્રુપને, અને આઈ એમ પ્રાઉડલી સે કે આઈ એમ બરોડિયન, કારણ કે હું આવ્યો તો અમદાવાદથી, પરંતુ આ સિટી સાથે આની કલ્ચર અને લોકોના પ્રેમને જોઈને અને આ 10,000 લોકોના આશીર્વાદ, એ આશીર્વાદને કારણે આજની તારીખમાં અમે લોકોએ આ પ્રોજેક્ટ 90% ફિનિશ કરી ચૂક્યો છે અને ધનતેરસના દિવસે આ પ્રોજેક્ટ્સને અમે ફિનિશ કરીશું। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન, BRG ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।